बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। इन दिस लेक्चर स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजर्स यूनिट 4, आई एम योर इंस्ट्रक्टर साजिद मुहिद्दीन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर हमने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था और सेट के बारे में हमने ये कहा था, अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो आपका सेट जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई अल्फाबेट हो तो उन्हें हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट, उसको हम इस तरह फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम एस या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट और प्रॉपर सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेट को अगर आप कंबाइन करना चाहें तो आपके पास कौन से मेथड हैं। तो सेट को कंबाइन करने के लिए हमारे पास चंद ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें एक यूनियन था, ए यूनियन बी, इसमें आप ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट दोनों को मिला के एक नया सेट बना लेते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं करते। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आप ये करते थे कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है आप सिर्फ वो एलिमेंट लेते थे और उसे एक नया सेट बनाते थे। जो कॉमन नहीं है आप उसको इस नए सेट में इंक्लूड नहीं करते। एक कम्प्लीमेंट हमने ये देखा था कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन ए। अब आपने जब भी एक कम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस से निकालना है, अपने उन वैल्यूज़ को छोड़ देना है जो ए में मौजूद है, और उन वैल्यूज़ को सिर्फ लेना है जो यूनिवर्सल सेट में तो हों लेकिन ए में मौजूद ना हो। इसी तरह जब आप ए माइनस बी की बात करते हैं तो आपने ए के सारे बी के सारे एलिमेंट ए में से निकाल के जो नया सेट बनाना है वो बनाएंगे। आप इन्हीं चीज़ों को जब ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम के नाम देते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं, सेट ए 1 2 3 4 5 और सेट बी 3 5 7 9 और 11, और एक यूनिवर्सल सेट है 1 to 20 तक। अब आपने इसमें ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू आएंगी, और ये जो आपके पास शेडिड एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन। बाकी के जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं वो बी में नहीं है, और बी में मौजूद जो एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है। जो एलिमेंट दोनों में मौजूद हैं वो सिर्फ 3 और 5 हैं, और वो इस ओवरलैप एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, आउटकम और कंपाउंड इवेंट। एक्सपेरिमेंट में आप जब कोई कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास जो भी आउटकम आए जब आप उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो उसको आप एक्सपेरिमेंट का नाम देंगे, जब आप उसको सेट बना के लिखेंगे तो आप उसको सैंपल स्पेस का नाम देंगे, और अगर आप एक सिंगल एलिमेंट देख रहे होंगे उन आउटकम में तो आप इसको आउटकम का नाम देंगे, और अगर आप कंबाइन देख रहे होंगे जैसे कि इस सर्कल में हमने शो किया हुआ 3 आउटकम को तो आप इसको कंपाउंड इवेंट का नाम देंगे। ये वही चीज़ अगेन रिपीट की गई है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी रूल पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी रूल नंबर 1, आपकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है जो भी आप जब भी आप कैलकुलेट करेंगे किसी इवेंट की तो वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान होगी, और अगर आप सारे इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट्स हैं सैंपल पॉइंट में जब आप उनको सम अप करेंगे तो उनका आंसर 1 आना चाहिए। इसकी एग्जांपल अगर बिजनेस ली जाए तो ऐसे है, अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे इस साल कितना रिटर्न होगा अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं, तो उसमें आप ऑप्शन देखेंगे कि अगर आपकी इकोनॉमी बूम पे चली जाती है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंपनीज के लिए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट गिवन है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे तकरीबन 20% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा होने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस मीन प्रोबेबिलिटी, ऐसा होने के चांसेस कि हमारी इकोनॉमी बूम पे हो वो 50% है। 50% उसमें आपके चांसेस हैं कि इकॉनमी बूम पे जाएगी, और बूम पे जाएगी तो आपको रिटर्न 20% मिलेगा। दूसरा जो केस है वो ये है कि आपकी इकॉनमी नॉर्मल चलेगी, यानी कि हालात बहुत अच्छे भी नहीं होंगे और बहुत बुरे भी नहीं होंगे, और ऐसे केस में जो आपको रिटर्न मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे
वो अराउंड 15% मिलेगा और नॉर्मल रहने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 40% है। तो 50% आपके जो चांसेस थे वो बूम के थे, नॉर्मल रहने के चांसेस जो हैं आपके वो 40% हैं, और जो वर्स्ट केस है हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चली जाएगी, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हालात बुरे होंगे, और इसके चांसेस हैं 10%। तो आप देखेंगे तीन आपके जो सैम्पल पॉइंट हैं, बूम, नॉर्मल और रिसेशन, जब आप इनको सम अप करेंगे 50%, 40% एंड 10%, तो इट मेक्स 100%, और 100% मीन आपके पास 1। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी, जो भी सैंपल पॉइंट है, जब आप उनको सम अप करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होना चाहिए। ओके, रूल नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू बेसिक आउटकम इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप कोई भी दो सैंपल पॉइंट ले लेते हैं कहीं सेंटर से, अगर टोटल 10 सेंटर पॉइंट आपके सैंपल पॉइंट थे, उनमें से आप दो ले रहे हैं, तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल आएगा उनके इंडिविजुअल सम के। जैसे कि इस एग्जांपल से भी हमने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे एग्जांपल को गो थ्रू करें। द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, अब ये जो हमने दिया हुआ है ए प्रोबेबिलिटी, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमने ए कम्प्लीमेंट जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि वो वैल्यूज जो ए में शामिल नहीं है। अब जो ए कम्प्लीमेंट है, आप इसको ये भी कह सकते हैं नॉट प्रेजेंट इन ए। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल ए की 40% है, और हमने पढ़ा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ए की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो कोई भी ए के अलावा जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी ना। तो इसलिए इसका जो मतलब है वो ये है कि ए की प्रोबेबिलिटी के अलावा जो बाकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। आप इसको हैपनिंग और नॉट हैपनिंग से भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ए जो है वो किसी चीज़ की हैपनिंग है, मतलब अकरेंस के चांसेस हैं बूम के। फॉर इंस्टेंस हमारी इकॉनमी बूम कर जाएगी तो उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। अब जो रिसेशन है, जो ए कम्प्लीमेंट है, डेट इज रिसेशन हम अज्यूम कर रहे हैं, तो रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। और इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल दो ही इवेंट है, एक बूम है और एक रिसेशन है, इसमें हम नॉर्मल ड्यूरेशन नहीं ले रहे। अच्छा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी आपके पास वो 1 थी दोनों केसेस की, बूम की और रिसेशन की। जब आप इनको सम अप करेंगे, जो हमने लास्ट रूल देखा है ये वाला, जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी, इसमें से हमारे पास बूम की प्रोबेबिलिटी अब जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रिसेशन की प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ पे है। तो रूल 4 ये आपका कहता है द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज द रिमाइंडर ऑफ द सैम्पल स्पेस बियॉन्ड द इवेंट। सिंपल अल्फाज में ये है कि अगर आप किसी इवेंट की जो नॉट हैपनिंग है वो निकालना चाहते हैं या हैपनिंग निकालना चाहते हैं, तो आप 1 में से जो आपके पास मौजूद है चीज़ उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमने एडिशन रूल देखा था, फिफ्थ को पहले सिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो आपके इवेंट्स हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो उन दोनों में से सिर्फ एक इवेंट एक टाइम पे आ सकता है। फॉर इंस्टेंस आप एक कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों हेड और टेल एक ही टाइम पे नहीं आ सकते। तो ऐसे इवेंट्स आपके कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर इंस्टेंस आप ये कहते हैं आज जो है वो धूप निकली हुई है, तो धूप निकली हुई है तो बारिश तो नहीं हो सकती ना, बारिश और धूप दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, तो जो इवेंट पैरेलल नहीं चलेंगे हम उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आपने आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और फिर आपने एडिशन रूल उस पर अप्लाई करना है, तो एडिशन रूल उसको आप यूनियन से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बाज बुक्स में उसको और लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है, इससे भी यूज़ कर रहे होते हैं, इससे भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोनों केसेस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे और इसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। अब अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो उसकी आप जो फार्मूला है वो कैसे यूज करेंगे, उस केस में आप वही इनिशियली वही फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों का कॉमन भी यूज कर रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इसको हम फ्यूचर में जाकर भी पढ़ेंगे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट से मुराद है कि अगर आप एक ऑप्शन चूज करें तो दूसरी ऑप्शन पे उसका कोई इफेक्ट ना आए। इसकी हम एग्जांपल लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप यूनिट 3 का लेक्चर देखें। जब आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे डेट इज़ पी इंटू ए एंड एंड भी यूज़ कर रहे होते हैं और इंटरसेक्शन भी यूज़ कर रहे होते हैं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रॉबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रॉबिलिटी ऑफ बी। और अगर आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो ऐसे ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आप कराची से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और कराची से इस्लामाबाद का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं जिसने भी कराची से इस्लामाबाद जाना है वो कराची से लाहौर आएगा, लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा। तो अब ये जो दो इवेंट हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप डायरेक्ट आप कराची से लाहौर आएंगे, अगर लाहौर पहुंचेंगे फिर ही आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो एक इवेंट होगा तो फिर दूसरा इवेंट होगा, तो ऐसे इवेंट्स को आप डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा केस मौजूद है तो उसमें आप जो आप फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे वो ये यूज़ कर रहे होंगे प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी बी गिवन ए। जो आपके पास ये है ये इसे हम कहते हैं गिवन और ये कंडीशन है। उसके बाद आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके लिए आप फार्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका जो आंसर है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, तो इसमें आप जो फार्मूला यूज करेंगे डेट इज प्रोबेबिलिटी फॉर बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी अगर आप डिटेल एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूनिट 3 के लेक्चर देख लें। नाउ लेट्स कम टू द यूनिट 4।